नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो कि इप्सा वर्ल्ड गेम्स है उसके डे फोर के हाईलाइट्स के बारे में। तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसके बाद से आज हम डे फोर के जो है हाईलाइट्स लेके आ चुके हैं और 22 तारीख का जो दिन रहा वो किस तरह से रहा उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स रहे लेकिन जिसमें से जो वन ऑफ द टॉप इवेंट्स रहे जिसमें अगर मैं बोलूँगा तो पूरा दिमाग ही हिला दिया वो इवेंट्स में काफ़ी सारे रहे मैचेस। हालांकि एक मैच जो मैं बोलूँगा जो सबसे ख़तरनाक था वो था इंग्लैंड और यूक्रेन का। जब शुरू हुआ फाइनल्स था ये पार्शली मेन साइड का, 11:30 बज रहे थे रात के और मैच ख़त्म हुआ जब 1:30 बज रहे थे रात के, ऑलमोस्ट 1:15 के ऊपर ही टाइम हो चुका था क्योंकि अगर आप देखोगे तो यस 2 घंटा और 12 मिनट तक तो टाइम था जब वो मैच जो है चला 2 घंटा 13 मिनट तक। बहुत ही ख़तरनाक वो जो स्ट्रीम चली थी। यार मैं बता रहा हूँ आपको यार जिस तरह से वो मैच हुआ था, एक टाइम पे दोनों ही टीमें बराबर थी पर 22 सेकेंड्स यानी कि 22 सेकेंड गेम क्लॉक में होते हुए यूक्रेन ने वो गोल दागा है अंतिम जो इक्वल जो विनर है, भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। और उस एक गोल के वजह से यूक्रेन बन गया आपका वर्ल्ड चैम्पियंस यानी कि इप्सा वर्ल्ड गेम्स का चैम्पियंस इस पार्शली साइडेड फुटबॉल में। और यहाँ पर यूक्रेनियन टीम को बिल्कुल क्रेडिट देना होगा, आउट ऑफ नोवेयर इस वॉर के टाइम पे जब कंट्रीज जो है पूरी तरह से स्ट्रेस में हो और बिल्कुल दबाव में हो, वहाँ पे आके यूक्रेन के लिए खेल के और मतलब चैम्पियनशिप लेना, आई थिंक यूक्रेन वुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड जो प्रदर्शन उनके फुटबॉल टीम ने किया पार्शली साइडेड फुटबॉल टीम ने बेहतरीन। अच्छा तो थर्ड प्लेस मैच था वहाँ पे स्पेन खेल रहा था जापान के विरुद्ध और भाई साहब उस गेम के बारे में क्या ही बोलूँ, 9-0 और वो क्लीन स्वीप था। उसके अलावा देखे तो जो है बाकी टर्की इटली वगैरह सारी टीमें आई थी वो उन्होंने भी यहाँ पे जो है मेडल्स रिसीव किए। इंग्लैंड जो है सिल्वर मेडलिस्ट रहे और वहाँ पे उनके पास ज़्यादा कुछ रहा नहीं कहने के लिए। लेकिन अब देखिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि अब देखिए मेडल टैली की तरफ आप देखें तो धीरे धीरे अब मेडल्स का जो खाता है टीमों का खुलना शुरू हो जाएगा। और हमारे लिए भी अभी काफ़ी सारे इवेंट्स आ रहे हैं, पावर लिफ्टिंग, जूडो, पावर गेम्स आने शुरू हो चुके हैं और पावर गेम्स में इप्सा में इंडिया किस तरह से डोमिनेट करता है उस पर जो है हमारी बिल्कुल नज़र आने वाली है। आज तो जूडो के मैट 3 मैट्स के जो इवेंट रहेंगे, मैट 1, मैट 2 और मैट 3 तीनों मैट्स के इवेंट जो है लाइव दिखाए जाएंगे इप्सा के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं तीनों इवेंट्स जो है वहाँ पे रहेंगे। तो उसके अलावा देखें तो जो मेंस ब्लाइंड फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल्स थे उसके जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं वहाँ पे देखें 4 क्वार्टर फाइनल्स जैसे मैंने बोला, पहले तो एशियन राइवलरी से शुरू करते हैं, जापान बनाम चाइना था मैच, बहुत ही ज़्यादा करीब था लेकिन जो क्रूशल जंक्चर था वहाँ पे चाइना ने गोल दागा और 1-0 से उस मुकाबले को जीत के जो है चाइना ने जगह बना ली सेमीज में। और आज उनका मुकाबला होने वाला है बहुत ही बड़े जायंट के साथ, ब्राज़ील के साथ ऑफ कोर्स। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे अर्जेंटीना और इटली का मैच हुआ, 1-0 से अर्जेंटीना ने जो है इटली को हराया और वहाँ पर जो है इटली की टीम को हराने के बाद अर्जेंटीना पहुँच चुका है दोस्तों बहुत ही कन्विंसिंगली जो है फाइनल्स के तरफ। इटली ने कोशिश तो की लेकिन वो गोल नहीं दाग पाए और अर्जेंटीना और ब्राज़ील आप जानते हैं ब्लाइंड फुटबॉल में इनकी राइवलरी है, मुझे तो यही लग रहा है 100% की फाइनल्स के कैंडिडेट यही दोनों होने वाले हैं, चाइना है। और उसके अलावा देखें तो जो फोर्थ टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है वो है बहुत ही कन्विंसिंगली मुकाबले को जीतते हुए जो है वो टीम पहुंची। जिस तरह से अभी के लिए जो सेमीफाइनल्स बने हैं कोलंबिया जिस तरह से उन्होंने ईरान को हराया, अगर मैं उठा के देखूं 2-1 से ईरान को हराया, हर गेम में अगर मैं देखूं स्कोरलाइन 1-0 1-0, फ्रांस को ब्राज़ील ने हराया 1-0, चाइना ने जापान को हराया 1-0 और हम अगर यहाँ पे खेले देखें तो अर्जेंटीना ने इटली को हराया 1-0। तो कोलंबिया ही थी जिन्होंने ईरान को 2-1 से हराया थोड़े करीबी मुकाबले में, थोड़ा एशियन रिप्रेजेंटेशन था इधर भी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान बाहर हो गया। और अब जी है कोलंबिया पहुंच चुका है सेमीज में और यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी कि काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस अर्जेंटीना कोलंबिया के अगेंस्ट खेल रही है, ब्राज़ील खेल रही है चाइना के अगेंस्ट, जो जीतेंगे वो पहुंचेंगे फाइनल्स में और मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना जो कि फाइनल्स खेले और चाइना और कोलंबिया थर्ड प्लेस खेले।
तो ये है अपडेट्स फुटबॉल में, ब्लाइंड फुटबॉल से आ रहे हैं जैसा कि मैं बताऊँ आपको, और आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं गोल बॉल की। तो मेंस गोल बॉल में भी थोड़ा एक्शन नज़र आया, वुमेंस गोल बॉल में भी थोड़ा एक्शन नज़र आया। यूक्रेन की टीम जो मेंस गोल बॉल की टीम है उन्होंने अपना मुकाबला जीता, अर्जेंटीना को एक और हार झेलनी पड़ी मेंस गोल बॉल में हालांकि, और यूएसए को कल कोई मैच नहीं मिला वुमेंस गोल बॉल में। मेंस गोल बॉल में भी हालांकि अगर हम देखें और यहाँ पे वुमेंस गोल बॉल में और इसराइल ने जो है काफ़ी करीबी मुकाबला खेला चाइना के अगेंस्ट, 3-3 का ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया को ग्रीस ने 6-2 से हरा दिया। और जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो ये कि कुछ क्रूशल मैचेस जैसे कि मैंने बोला बताता हूँ आपको हमेशा से, पर सबसे करीबी ऑफकोर्स चाइना और इसराइल वाला वो मैच रहा दोस्तों। अंतिम मोमेंट तक ये नहीं बोल सकते थे कि कौन जीत रहा है, बहुत करीबी मुकाबला 3-3 से रहा। और डिफेंस दोनों ही टीमों का क्या कमाल खेला है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसराइल एंड चाइना दोनों बढ़िया टीम है इस ग्रुप से। यूएसए के साथ वुमेंस फुटबॉल गेम में मुझे लगता है कि ये वुमेंस गोल बॉल गेम में मुझे लगता है कि ये लोग सेमीज आराम से खेल रहे हैं। ये तो ये है कि चाइना या इसराइल, यूएसए तो ऑफकोर्स पक्का है भाई, यूएसए तो बहुत स्ट्रांग है, दो गेम्स खेले हैं दोनों जीतते हैं वुमेंस में। मेंस में हालांकि यूएसए के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी वुमेंस में उतनी वीक नज़र आ रही थोड़ी। ये है जो होम टीम्स हैं दोनों ही कैटेगरी में, होम टीम का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा निराशाजनक रहा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक ही रहा है। अर्जेंटीना भी उतना अच्छा नहीं खेल पाए, टर्की मेरा जुला प्रदर्शन रहा है। तो ये जो अपडेट्स हैं कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑफकोर्स लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि इप्सा वर्ल्ड गेम्स को जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ हम ही कवर कर रहे हैं, तो वो अपडेट्स हम ही दे रहे हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये चीज़, मैं बताता हूँ जैसे कि मैंने बोला हमारे पूरे वीडियोज़ में मैंने बोला है कि भाई YouTube में इप्सा का जो ऑफिशियल चैनल है वो आपको दे रहा है कंटेंट, पर हाइलाइट्स दे रहा है, पर वीडियो ऐसे बना के दे रहा है। हम लोग दे रहे हैं पूरा अपडेट हिंदी में एनालिसिस के साथ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। जैसा कि आप जानते हैं रात को 1:30-2 बजे तक जब कि हम आपके लिए जो है काम कर रहे हैं, तो आपको बस यही काम करना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना है। आगे चलते हैं दोस्तों और क्रिकेट की बात करते हैं। तो वुमेंस क्रिकेट में जो है कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खेला गया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैंड ने 112 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जो है 100 रन पे ऑल आउट करते हुए 12 रन से मुकाबला जीत लिया। और ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंग्लैंड जीतती तभी वो फाइनल्स में खेलने के चांसेस उनके लिए थोड़े बढ़ जाएंगे। यहाँ पे वही सिचुएशन था, अगर हम तीनों का अलॉटमेंट देखें कि सेकंड प्लेस कौन ले रहा है वुमेंस गेम में, यही एक ज़्यादा दिलचस्प किस्सा है। फर्स्ट प्लेस का तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम जो है कन्विंसिंगली जीत रही है यहाँ पे। तो ये है इंग्लैंड और इंडिया का मैच खेला गया मेंस ब्लाइंड क्रिकेट में, वहाँ पे 147 रन बनाए भारतीय टीम के विरुद्ध इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पे, और जवाब में इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंगली 7 विकेट से मैच जीत लिया। और वहीं बांग्लादेश की टीम जो है बना रही थी, बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच हुआ, दोनों ही साउथ एशियन जायंट्स क्रिकेट में, और 138 रन का टारगेट दिया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 137 पे 7/20 ओवर में, और आसानी से पाकिस्तान ने 14.3 ओवर में टारगेट चेस किया। तो जो टेबल है वो ये है कि इंडिया 3 मैचेस खेला है 2 जीते हैं, आज के दिन आराम कर रहे हैं, और पाकिस्तान 2 गेम खेला है 2 जीता हुआ है, और बहुत ज़्यादा ब्राइटली इंडिया पाकिस्तान फाइनल्स के चांसेस जो हैं ऑफकोर्स हैं, वही यहाँ पे जो चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं अभी के लिए, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये है फिलहाल के अपडेट्स। अभी देखें आप आज के शेड्यूल की बात करें तो ऑफकोर्स जो सेमीफाइनल्स हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, गोल बॉल इवेंट ऑफकोर्स देखने मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जूडो आज से शुरू हो रहा है, चेस के रिजल्ट्स भी, चेस का जो इवेंट है वो भी आज से शुरू हो चुका है चेस के इवेंट्स के रिलेटेड। हालांकि फाइनल अपडेट्स आपको हम मेडल टैली जब जो होगा उसमें बता देंगे क्या सिचुएशन हुआ है। उसके अलावा देखें तो ये है अभी के लिए जो अपडेट्स निकल कर आए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।